गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको प्रमेय संख्याओं का जोड़ घटाना जो है आपको सिखाऊंगी कि प्रमेय संख्या कौन सी संख्या होती है जिसकी हम पूरी वैल्यू जो है निकाल नहीं सकते। जैसे 1/2 हो गया, 3/5 हो गया, ये जो सब संख्याएं होती है इनको प्रमेय संख्या जो है कहा जाता है, जिसकी हम वैल्यू जो है नहीं निकाल पाते। और अप्रमेय संख्या कौन सी होती है, जैसे √2, √3, जिसकी हम जो है अब जो प्रमेय संख्याएं होती हैं जिसकी हम वैल्यू जो है नहीं निकाल पाते। और अप्रमेय संख्या जो होती है जैसे √2, √3, √4 जो होगा वो नहीं, और अप्रमेय संख्या नहीं होगी, वो क्या है एक पूर्ण संख्या होगी, क्योंकि √4 जो होता है 2 के बराबर होता है। √5 जो होगा वो भी अप्रमेय संख्या होगी। इसलिए मैं आज इन प्रमेय संख्याओं का या आप का जो है तुम्हें जोड़ और घटाना बताऊंगी। देखो 3/5 + 1/2 - 4/5। अब इसको कैसे हम जोड़ते हैं और घटाते हैं। अब हम इसमें जोड़ और घटाने में क्या करते हैं कि जो ऊपर वाले संख्या को अंश कहा जाता है और नीचे वाली संख्या को हर कहा जाता है। अब जो हमारे हर होते हैं उनका हम क्या लेते हैं, लासापा ले लेते हैं। हर का क्या लेते हैं, लासापा। यहाँ पे हर क्या है, हर कौन कौन सी संख्या है हमारे पास, 5, 2 और 5। अब इनका हम क्या निकालेंगे, लासापा। हर का लासापा, लासापा आपको मैंने सिखाया था पहले कि लासापा कैसे निकालते हैं। लासापा निकालने के लिए मैं रफ वर्क में निकाल रही हूँ, 5, 2, 5 का लासापा। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 2, इसलिए हमने जो 2 से भाग हो, बाकी जो भाग नहीं होते उनको वैसे का वैसे लिख लेते हैं। अब इसके बाद कौन सी संख्या है, 5, 5 जो है 5 से भाग होगी, 5 × 5 = 1, इसका मतलब इनको क्या करते हैं, 2 और 5 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा लासापा आ जाएगा 10। कितना लासापा आएगा, 10। इसलिए अब जो पहले हम इसमें क्या करेंगे, इस संख्या के नीचे हम जो है अपना जो लासापा आता है उसको जो है 5, 2 और 10 का, 5 का कितना लासापा आया, 10 आया। अब लासापा को ऐसे खींच लेते हैं, लाइन लेकर नीचे 10 लिख लेंगे जो लासापा आएगा। अब जो हर होता है, हर से जो हमारा लासापा नीचे संख्या दी आता है उसको हम भाग करते हैं, और भाग करके जो है जो हमारा आंसर आए उसको जो है अंश से जो है हम गुना करते हैं। जैसे मैं 10 को जो 5 से जो है भाग करूंगी तो हमारा क्या आएगा, 2 आएगा। क्या आएगा, 2 आएगा। 2 को मैं किससे गुना करूंगी, 3 से। 2 को किससे गुना करूंगी, 3 से। इसी तरह भी मैं 2 से किसको भाग करूंगी, 10 को। हमारे पास क्या आएगा, 5, 5 जो है ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा अंश से, 5 × 5। फिर ऐसे 5 जो है उसको मैं 10 से भाग करूंगी तो हमारे पास कितना आएगा, 2 आएगा। 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 4 से। अब देखो मल्टीप्लाई करने के बाद हम ऐसे लिख लेते हैं, 3 × 2 कितना आएगा, 6, 5 × 5 - 4 × 8/10। मैंने ये भी आपको बताया था कि बॉड मास, एक वर्ड सिखाया था मैंने बॉड मास में क्या था कि पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर हम ऑफ को करते हैं, फिर हम डिवीजन को, फिर हम मल्टीप्लिकेशन को, फिर हम एडिशन को, उसके बाद सब्ट्रैक्शन को। अब इसमें से पहले एडिशन आएगा, सब्ट्रैक्शन बाद में आएगा, इसलिए हम इन पहले इनको जोड़ेंगे। जोड़ करने के बाद पहले हम संख्या का जोड़ करते हैं और उसके बाद जो है माइनस वाली संख्या को माइनस करते हैं। इसलिए हमारा कितना आएगा, जहाँ पे माइनस कर जोड़ करके, 6 × 5 = 11 - 8/10। कितना आंसर हमारा आएगा, 3/10। इस तरह जो है हम जो है प्रमेय संख्याओं का जोड़ घटा कर सकते हैं।